नमस्कार, केवल रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं काले चने से नाश्ता। अब ये एक कटोरी चने, एक कटोरी आलू, खीरा, चार हरी मिर्च। आप मिर्च अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इनको पीस लिया है, पेस्ट बना ली। हमें दरदरा पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। प्याज बारीक चौकी हुई, अरारोट, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, बहुत थोड़ी सी, नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच चाट मसाला। सभी को मिक्स कर लेते हैं। इसको बनाने के लिए चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा सा तेल डाल दें। अब इनको सुनहरा होने तक सेकते हैं। गैस का फ्लेम हमें सेम रखना है, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से जल जाएंगे। अब इनको पलट देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है। हम कोई भी वीडियो बनाएंगे तभी आपके पास पहुंचेगी। अब हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज कर देंगे, मीडियम। आधी सिकने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। देते हैं दूसरी तरफ से भी। देखिए कितना अच्छे कुरकुरी बनके तैयार हैं। इसका यही गोल्डन कलर चाहिए, इससे ज़्यादा हम सेकेंगे तो ये जल जाएगी। आपको डीप फ्राई भी करके दिखाते हूँ। आप दोनों तरह से किसी तरीके से बना सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। इसका एक सीक्रेट तरीका भी आपको मैं बताऊंगी। अगर आपका पेस्ट पतला हो जाता है थोड़ा, तो हमें क्या करना है, हम इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला देंगे, उससे ये क्रिस्पी भी रहेंगे और थोड़ा टाइट भी हो जाएंगे। हम इनको पलटते हैं। हमारे चना कबाब बनके तैयार हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद। बनाइए, खाइए और हमें बताइए।